अबे इसमें आ रहा नहीं आ रहा थे भाई। रेलियों पे बैठे हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से बोली। तो इंडिया का सवाल है तो हमारा इंडिया ही जीतना चाहिए। फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज मुझे पता है कि आप लोग जितने सारे जो हैं मैच देखने में मगन होंगे, तो आज मुझे नहीं लगता कि आप लोग हमारा ब्लॉग भी देखेंगे। तो मैं आपको जगह जगह पे दिखाता हूँ, तो लोग बार देखिए कोने कोने में कैसे कैसे कोने में जो है अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, वो मैच देख रहे हैं। और नैनीताल में हमें जो है सुबह काफ़ी अच्छा जो है टूरिस्ट था, और अब जो है जैसे मैच चालू हो ना सारे टूरिस्ट जो अपने होटलों में चले गए। ये देखो ये भाई साहब कह रहे हैं दो विकेट हो गए, देख रहे हैं ये भाई साहब, ये देख रहे हो यार दो विकेट हो गए, बड़ा बुरा हुआ है। तो ये गलत बात है दोस्तों, हमें पहले ना बैटिंग नहीं मिलना चाहिए थी, हमें पहले बॉलिंग मिलना चाहिए थी। तो मैं तो पहले यही दुआ कर रहा था कि यार हमें जो है बॉलिंग मिल जाए, पर बैटिंग मिल गई, ये हमें बहुत गलत मिला, क्योंकि बैटिंग मिलती ना हमें तो और मज़ा आता। तो चलिए पर दुआ आप लोग में लगे रही है कि हमारा इंडिया ही जीते, क्योंकि हमने जो है काफ़ी जो है मेहनत करी है ये मैच देखने के लिए, वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए। देखो ये भी इसमें लगे हुए हैं, हर कोई जो है मैच देखने में लगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी जीती होगी। तो आप लोग भी देखो, पंडित जी के नीचे बैठे हुए हैं और अपना काम वाम छोड़ के, मैंने आपको दिखाया तो भाई साहब बीड़ी भी पी रहे हैं, तो इनके मुँह में हमेशा बीड़ी रहती है। और ये मगरूब भाई जो है मोबाइल में लगे हैं, ये मैच देख रहे हैं। तो ये भी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी ऐड आ गया है, तो ऐड ही देख सकते हैं आप लोग। सभी लोग जो है ना सभी मैच देख रहे हैं दोस्तों, आज हमारा वर्ल्ड कप का मैच है। तो सभी लोग आप लोग दुआ करिएगा इंशाल्लाह हमारा इंडिया ही जीते, क्योंकि इस मैच को हमने फाइनली जीतने के लिए बहुत ही मेहनत करी है। और इंशाल्लाह सभी लोग जो है दुआ में लगे हैं कि हमारा इंडिया जीत जाए। लोड में खड़े हैं हम, तो जहाँ से मान लो कि स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पर देखिएगा टूरिस्ट बहुत ही कम हैं, क्योंकि अभी सुबह काफ़ी अच्छी भीड़ थी। तो अचानक से जैसे मैच चालू हुआ क्रिकेट, तो सारे टूरिस्ट जो थे अपने होटलों में चले गए हैं। तो होटलों में जाके क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फाइनल वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए वो लोग चले गए। तो मैं भी कस्टमर को घुमाने के लिए भी लेके जा रहा था ना, तो वो भैया भी बोले कि भैया हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है मैच देखना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम भी मैच देखेंगे। तो मैं सोच रहा था पहले अपना ब्लॉग बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम भी जो है अपना मैच देखने लग जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा रिक्शाएँ, तो आपने सुबह देखी होगी जो हमारे सब्सक्राइबर नैनीताल के हैं, यहाँ पे कितनी अच्छी भीड़ थी। तो अचानक से एकदम शांति क्यों हो गई, क्योंकि सब लोग जो है मैच देख रहे हैं। तो चलिए आपको देते हैं नैनीताल की अपडेट। हैं कौन हुआ? श्रेयस अय्यर हो गया यार। तो यार देख रहे हो एक आउट और हो गया यार, तो बहुत ही गलत। तीन हो गए, तीन विकेट हो गए। कितने रन हो गए? 80 रनों में तीन विकेट हो गए। तो हमारे दीवान जी बहुत खुश है यार मैच देखने, पर हमें बैटिंग बेकार मिली दीवान जी। क्यों राणा जी? और राणा जी हमें बैटिंग बेकार मिली, हमें बॉलिंग चाहिए थी। तो यहाँ देखिएगा एक फ्रूट्स की दुकान है, यहाँ पे काफ़ी चलती है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं माल लोड में दिन में, तो ये आपको दुकान मिलेगी, तो यहाँ पे पहाड़ी फ्रूट्स आप ले सकते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी फ्रूट मिलते हैं, तो जैसे मतलब जाड़ों के अलग, और जैसा सीजन होता है उसी सीजन के जो है फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। ये भाई साहब भी कह रहे होगा हमारे अभी आ रहे हैं, एक घंटे में निकल के आ रहे हैं, और कह रहे हैं तीन आउट हो गए। तो ये खुशखबरी नहीं सुना रहे, दुख वाली बातें सुना रहे, तो ये गलत है दोस्तों। और सामने देखिएगा हमारा पंत बाज़ार, जहाँ पर सस्ता बाज़ार लगता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो अभी दुकानें लगने लगी हैं दोस्तों, तो फुटपाथ वगैरह अपना पूरा लगने लगा है। तो लेफ्ट राइट में दोनों साइड जो देखिए फुटपाथ लगता है यहाँ पे। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं नैनी लेक दिखाने। और यहाँ देख सकते हैं ये चाय की, और इसमें आप बन टिक्की अपना मोमोज वगैरह सब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दुकानें लगती हैं वूलन स्वेटरों की, तो अभी यहाँ पे भी दुकान लग जाएंगी। और यहाँ पे देखिए स्कार्फ वगैरह अपने मफरल वगैरह हमारे बड़े भाई लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए काफ़ी जो है बोरे आ गए हैं, तो इस तरह के जो हम बोरे बनाते हैं और उसमें जो अपना सारा माल रखते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद सारी दुकानें यहाँ पर लग जाएंगी। तो इधर को तो हमें काफ़ी अच्छी भीड़ देखने मिली है। तो हम अभी कहाँ चल रहे हैं दोस्तों, तो ये हम आपको बताने वाले हैं आगे ही। तो अभी हमें सुना है धोनी जी आने वाले हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है।
उनसे मिल जाए तो मिल क्या पाएंगे दोस्तों, दूर से ही वीडियो बना के आप लोगों को हम दिखा सकते हैं। तो आज नैनी लेक का नज़ारा देख सकते हैं आप तक, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और सामने देखिएगा सफ़ेद सफ़ेद बादल, वाइट वाइट, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और उसी के नीचे देखिए नैनी लेक, तो उसमें नैनी लेक में काफ़ी पर्यटक लोग जो हैं बोटिंग भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं रैलियों पर बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि किस तरह से बोटिंग हो रही है और किस तरह से जो है नैनी लेक का नज़ारा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो अचानक देखिएगा हमें अच्छी भीड़ देखने मिल रही है। तो यहाँ देखिए टिकट काउंटर पे भी, तो ये वो लोग हैं जो मैच में मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और जो मैच को ज़्यादा ही लाइक करते हैं, तो वो लोग तो सब मैच में लगे हुए हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं मैच नहीं देखते हैं और काफ़ी हैं जो मैच देखते हैं, पर ये वाला मैच तो दोस्तों वो भी देखते हैं जो कभी मैच नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया का सवाल है तो हमारा इंडिया ही जीतना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, तो यहाँ पे तो हमें काफ़ी पर्यटक नज़र आ रहे हैं तो बोटिंग करते हुए। तो आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन तो काफ़ी भीड़ होती है, पर कुछ लोग और भी ज़्यादा भीड़ होती है अगर आज क्रिकेट फाइनल नहीं होता तो, क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है हमारा, तो आज सब लोग जो हैं क्रिकेट में लगे हुए हैं मैच देखने में। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ी ड्रेस में आप लोग फोटोग्राफी करवा सकते हैं, यहाँ पे अगर पहाड़ी ड्रेस पहन के आप लोग चाहते हैं कि हम पहाड़ी ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाएँ तो आप लोग भी यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे एक वही तो दिमाग खराब हो रही है बाबा। और लगातार इन दोनों जगह हम देखते हैं तो वो साझेदारी आ जाती है, लगे पड़े लीग मैच में हुई थी, इन दोनों ने ही हिट हो गए दोस्तों और अपने 82 रन हो गए हैं। तो अभी सोचिएगा हमें अभी बहुत कुछ करना है, अभी संघर्ष बाकी हमारी स्टार्टिंग है और अभी हमें संघर्ष बाकी है हमारा। और इंशाल्लाह हम दुआ में लगे हैं कि हमारा इंडिया ही जीते, क्योंकि हर गेम जो हमारा इंडिया जीतता हुआ है तो ये वर्ल्ड कप का फाइनल भी हमारा इंडिया ही जीतेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तो अभी भी हम मैच देख के आ रहे हैं, तो हमने कहा छोड़ो चलते हैं थोड़ा सा भोटिया मार्केट का ब्लॉग बना देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो हमारे साथ हमारे भांजे भी चल रहे हैं, ये भी मैच में लगे थे, दो थप्पड़ मार के इन्हें मैं इधर को ले आया, मैंने कहा इधर को आओ। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं बैंड हाउस में, तो आपको लेके चलते हैं यहाँ पे जो है बैंड हाउस। और इसका नाम बैंड हाउस क्यों रखा गया, तो क्योंकि यहाँ पे जो सीज़न में बैंड बजाया जाता है और काफ़ी जो है भीड़ होती है यहाँ पे, और ज़्यादातर जो है 6 बजे से स्टार्ट रहता है और 8 बजे तक यहाँ पे बैंड बजता है। तो यहाँ पे एक काफ़ी भीड़ हो जाती है पर्यटकों के साथ, और यहाँ पे जो नाइट का व्यू देखने मिलता है दोस्तों उसका तो अलग ही नज़ारा देखने, जैसे अभी दिन में आप व्यू देख रहे हो वही व्यू अपना जो है रात में भी आप देखते हैं, और चारों तरफ से लाइटें जलते हुए हम लोगों को नज़र आती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम आपको लेके चलते हैं आगे की ओर, और आगे क्या दिखाने वाले हैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि अपने हमारा पप्पू भाई गोलगप्पे वाले खड़े हैं तो इनके पास चलते हैं। तो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी टाइम से हमें जो जानते हैं, तो ये देखिए दोनों जो है एक भाई सामान और भट्टे की दुकान लगाते हैं और एक देखिए गोलगप्पे बेचते हैं। तो अभी देखिए दोनों जो हैं दुकान में एक साथ खड़े हैं, तो अभी इन्होंने जो मुझे थोड़ा सा कुछ वैसे भी बोला था, तो यहाँ पर देखिए छोले मैंने उठा लिए हैं हाथ में, तो अभी छोले के साथ हम आपको दिखाते हैं गोलगप्पे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी जो है थैली है पॉलीथीन, तो इसमें गोलगप्पे रखे हुए हैं और कितने अच्छे से जो भैया ने सजाए हुए हैं। तो अभी मैं भांजे से बोला हूँ चलते हैं आगे की ओर काफ़ी। तो अब हम चल पड़े दोस्तों अपने रिंकू भांजे के साथ मोमोज खाने, तो भाई को जो हमारे भांजे को जो मोमोज खाने थे, तो हम सोचा कि आज चलिए रिंकू को मोमोज खिलाते हैं। तो काफ़ी टाइम से भांजे साहब हमारे कह रहे थे
के मामा हमें मोमो खिला दी, मोमो खिला दिए गए, तो मैं इन्हें जो है मोमो खिलाने लेके जा रहा हूँ। तो इधर देख सकते हैं अभी जो है दुकानें सारी लगने लगी हैं, और अभी हम जा रहे हैं तिब्बत मार्केट भोटिया मार्केट की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं दुकानें जो हैं स्टार्टिंग हो रही हैं लगने के लिए। तो इस तरीके से हमारे जो मार्केट वगैरह लगती है, और ये मार्केट जो अपना 4 से 6 लगती है। तो आप लोग यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा सस्ता आइटम वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे। तो बने रहिए आप और चलते रहिए हमारे साथ। तो आज हम अपने भांजियों को क्या खिलाने जा रहे हैं, क्या खाओगे? मोमो। तो गाइस आज मेरा ब्लॉग में मेरा भांजा पहली बार आया है, तो मतलब वैसे आता है। तो इनका नाम है रिंकू, फिर भी मेरा भांजा है, ठीक है। तो मेरा नाम शराब खान है नहीं, तो हमें मामा भांजे। तो अभी हम देखिए कहाँ पहुँचने चुके हैं। मोनम के मोमो खाने के लिए तो सोनम के मोमोज यहाँ पे काफ़ी फेमस है, और काफ़ी दूर दूर से लोग बार जो हैं यहाँ पे खाने में आते हैं। और आप लोगों ने काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे यहाँ के जो फेमस मोमोज हैं सोनम। तो हम वो मोमोज जो हैं सिर्फ आपको 5 से 6 बजे तक मिलते हैं। सुबह 11 बजे जो खुलती है दुकान उनकी शॉप। तो ये अपना भोटिया एंड तिब्बत चाट मार्केट। अरे अभी तो मैं यहाँ देख सकते हैं आप लोग ठंडी रोड में, इधर काफ़ी अच्छी चहल चाल दिख रही है पर्यटकों की, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। मतलब अभी तो जो है मौसम अच्छा है, अब दोपहर के मतलब शाम में किस तरह का ठंडा होगा ये भी हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी ब्लॉग कम से कम हम ब्लॉग ना बनाने में भी कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मार्केट, भोटिया मार्केट, तिब्बत मार्केट और चाट मार्केट। फिर हम तो अभी हम पहुँचने वाले हैं सोनम मोमोज की गली में, जिस गली में मोमोज मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से। तो यहाँ से अभी हम एंट्री कर रहे हैं, तो सभी लोग जो है मैच देखने में मगन हैं। तो यहाँ दुकानों में भी जाओगे ना तो सभी लोग जो है मैच देख रहे हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट ने एंट्री कर ली है अभी गली में जहाँ पे सोनम मोमोज मिलते हैं। कहाँ रहे जरा पीछे पीछे, फोन किसका था? फोन राज का। कौन? अच्छा राज। क्यों गली है तो इस गली में बहुत संभल के चलना पड़ता है। संभल के चलना पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं तो बहुत संभल के इधर चलना पड़ता है। तो हम पहुंच चुके हैं हम मोमो की शॉप पे। ये देखिए ये है वेजिटेरियन मोमो, नॉन वेज दोनों यहाँ पे मिलते हैं। रेडी हो गए? तो चलिए हम 2 प्लेट मोमो लगवाते हैं। 2 प्लेट में लगा देंगे मटन मोमो 2 प्लेट। तो ये भाई मेरी वीडियो देखता है और बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियो डालते हैं, तो वीडियो डालने में रोज़ अपडेट करने पड़ता है वीडियो डालने के लिए। तो देख मोमो ले रहे हैं भैया, हमारे 2 प्लेट मोमो लगा रहे हैं, उसके बाद हम खाएंगे। तो टेस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे टेस्ट मिलता है, कि जैसा आप इस गली में आओगे तो आपको इसकी अलग ही खुशबू आएगी मोमोज की। तो मैंने कई बार जो अपने ब्लॉग में डाला है यहाँ का ब्लॉग, तो आप लोगों को बताया भी कि यहाँ के कितने फेमस मोमोज हैं। तो अभी हमारे मोमोज की लग चुके हैं, तो भैया ने देखी मैडम को दे दिया। हमने 2 प्लेट देना भाई, 2 बार मैंने आपके सामने बोला ना मोमोज, भाई झूठ मन नहीं बोल सकता, मैंने इसमें ब्लॉग में बोला है सबसे पहले बोला। तो देखिए 1 प्लेट में कितने पीस मिलते हैं आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे, तो आप गिन सकते हैं चटनी की, तो ये चटनी भी देख सकते हैं, मोमोज भी देख सकते हैं। तो अभी हम खाते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह का टेस्ट है। तो मैंने आज सोचा कुछ बढ़िया करके यूनिक ब्लॉग बनाता हूँ। तो अभी हमारे भांजे भी पहले मैंने कहा दिखा देते हैं कैसा है टेस्ट, मोमो तगड़ा है। चलिए हम पहले मोमो फिनिश करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको।
तो दोस्तों हम मोमो तो खाए हैं, मोमो कैसे लगे भाई? बहुत प्यारे थे, प्यारे थे, मस्त टेस्ट, प्यारे तो देखने को कहते हैं ना। अरे खाने में बता कैसे लगे? खाने बहुत टेस्टी थे, तो काफी टेस्ट था मोमो में और काफी अच्छे मोमो लगे। तो एक प्लेट में जो है 10 पीस मिले, 10 इनने खाए और 10 मैंने खाए, ओनली 100 पीस वन प्लेट। काफी टेस्ट है, मेरा तो मन कर रहा था और भी खा लें, पर आजकल थोड़ा डॉक्टर ने मना कर रखा है क्योंकि स्किन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दाने वाले ना, तो डॉक्टर ने कहा था गर्मी की वजह से तुम्हारे ये दाने आ रहे हैं फेस पे और मतलब हाथों पे भी, तो इसलिए मैंने एक ही पलट खाया क्योंकि ज़्यादा नुकसान दे ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपना ही नुकसान होगा अगर ज़्यादा खाएंगे तो। तो अभी हम आ चुके हैं फिर दोबारा लुंडा बाज़ार में, जहाँ पे फुटपाथ मार्केट वगैरह लगता है वहाँ पे आ गए हैं। तो अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं और क्या दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सभी लोगों को अबे आ रहा नहीं आ रहा थे भाई, देखो गाइस ये जो है लिंटर दिखाई नहीं रहा अपना। गए हैं फिर दोस्तों अपने पंत मार्केट के पास, तो यहाँ पे देखिए काफी जो एकदम भीड़ आ गई है और देखिए काफी पर्यटक जो हमें देख रहे हो यहाँ पे, देखिए स्कूल का ग्रुप भी है, कोई बाहर से आए होंगे बच्चे पूरे ग्रुप के साथ अपने, तो यहाँ देख सकते हैं दुकानें भी सारी लग गई हैं। तो उस टाइम मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था तो उसमें नहीं था, अब देखिए दुकानें पूरी लग गई हैं, मकसूद भाई हमारे सामने खड़े हैं और ये भी देख सकते हैं दुकानें जो सारी लग चुकी हैं, चाय की, कॉफ़ी की, वूलन शूज की, ये देख सकते हैं। भाई जी इन्हें ना मैं उठा के लेके आया हूँ, ये कोने में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो है मैच देख रहे थे, मैंने कहा काम भी करो और मैच जो है शाम को देखना, अभी मैच का बहुत टाइम है शाम तक जो मैच चलता रहेगा, तो मैंने सोचा कि आज इन्हें भी ले लेता, तो ये बहुत दिनों से मेरे जो ब्लॉग में आना बहुत अच्छा लगे थे लगता है, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और इनके पूरे घरों में सबने जो है मुझे सब्सक्राइबर कर रखा ना मकसूद भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब अभी मैच मत देखना, कब को देखोगे? आज मैच ही देखना चाहेंगे हम और इंडिया को जिताना चाहेंगे। हाँ तो इंडिया, हम तो यार कौन नहीं चाहता, हमारा इंडिया चाहते हैं, तो हमारे भोरा भैया भी क्या चाहते भोरा भैया तुम? हेलो हेलो, कौन जीतेगा? इंडिया जीत गई है, इंडिया जीतेगी ना, जीत गई तो जीतना ही चाहिए हमारा इंडिया। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं गाइस एंड।